ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्टवे की तरफ से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पठानकोट का किया जा रहा है एग्जिट पोल यानी कि ओपिनियन पोल। बात करेंगे हम अब वार्ड नंबर 31 की। तो वार्ड नंबर 31 में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरती देवी वाइफ ऑफ राकेश कुमार केयर ऑफ राजू MC ये उम्मीदवार थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वार्ड नंबर 31 में, जी हाँ वार्ड नंबर 31 में नीता बाला जो थी ये कांग्रेस की उम्मीदवार थी। वहीं अगर टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट जो है वार्ड नंबर 31 में 2900 वोट टोटल हैं, जिनमें से अगर पोल कितनी हुई अगर उनकी संख्या की बात करें तो 1907 वोटें जो हैं वो पोल हुई हैं। अगर परसेंटेज की बात करें, जी हाँ परसेंटेज अगर देखें तो वार्ड नंबर 31 में जो है वो 65.71 जो है वो वोट जो है वो पोल हुई है। जी हाँ, अब बात करेंगे हम वार्ड नंबर 31 की। तो वार्ड नंबर 31 में सर्वे के दौरान ये चीज सामने आई है उभर करके कि कांग्रेस की नीता वाला जो है ये जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे वार्ड नंबर 32 की। तो वार्ड नंबर 32 में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 32 में रोहित पुरी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 32 में जो है वो राजीव महाजन है। यहां पर जो है एक बहुत ही कड़ा मुकाबला, जो फाइट जिसे हम कह सकते हैं टक्कर का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है यहां पे। अगर उनकी कंपेन की बात करें तो कंपेन में पूरा जोर लगाया है और डोर टू डोर जाकर के उन्होंने वोट अपील की है और यहां पर जो है वो मुकाबला जो है वो कड़ा है। अगर मैं अपने दर्शकों को बताता जाऊं कि ये वही वार्ड है जहां पर हमारे शहर के विधायक जो हैं MLA जो हैं अमित विज जो हैं उनका घर भी है, तो ये उनका वार्ड भी एक हिसाब से ये वार्ड उनका वार्ड भी है, तो उन्होंने भी जो अपनी वोट पोल है इसी वार्ड में की है। तो यहां पर अगर बात करें वार्ड नंबर 32 में तो जो हमारा सर्वे है जो हमने लोगों से बात की उसके हिसाब से अगर बात करें तो कांग्रेस के राजीव महाजन बंटी जो हैं वो यहां पर जो है वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 33 की। तो वार्ड नंबर 33 की अगर हम बात करें तो यहां पर रितु बाला वाइफ ऑफ राकेश सैनी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी। वहीं पे वार्ड नंबर 33 की जो कांग्रेस की अगर बात करें तो रेखा रानी वाइफ ऑफ जसविंदर जो थी वो चुनावी मैदान में थी। अब वार्ड नंबर 33 की टोटल वोट्स की बात करें तो 3284 जो है यहां पर टोटल वोट्स है, और पड़ी कितनी है वोट अगर उनकी संख्याओं पर नजर डालें तो 2395 वोट जो है वो यहां पर पड़ी है। अब एवरेज देख लेते हैं वार्ड नंबर 33 की। तो अगर वार्ड नंबर 33 की एवरेज की बात करें तो 72.92 जो है वो परसेंट जो है वो वोट पोल हुई है। अब बात करते हैं यहाँ के जो एक सर्वे है उसकी। तो सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारे जो टीम ने जो सर्वे किया है, जो लोगों के पास जाके जो हमने सैंपल लिए हैं उसके हिसाब से देखें तो वार्ड नंबर 33 में भारतीय जनता पार्टी की रितु बाला जो है वाइफ ऑफ राकेश सैनी जो है यह बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जी हाँ, बात करेंगे वार्ड नंबर 34 की। तो वार्ड नंबर 34 में जो है वो गुलशन महाजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। वहीं पे कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें वार्ड नंबर 34 की तो वहां पर रोहित सयाल जो हैं वह कांग्रेस की तरफ से हैं। तो अब ओवरऑल वोट की बात करें तो यहां पर 2664 वोट हैं पूरी। अब पोल कितनी हुई है उनकी संख्या मैं आपको बताता जाऊं 1932, जी हाँ 1932 वोटें पोल हुई हैं। अब एवरेज क्या है वार्ड नंबर 34 की, 72.52 परसेंट ये एवरेज आई है वार्ड नंबर 34 की। अब जो सर्वे है हमारी टीम का अगर उसकी बात करें तो सर्वे के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहां पर मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा है, यहां पर फाइट है, यहां पर दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है कंपेन के दौरान, डोर टू डोर वहां पे उन्होंने जाकर के कंपेन किया है, कन्वेंसिंग की है, लोगों से बात की है, लोगों को वोट अपील भी की है, और यहां पर मुकाबला जो है वो 50-50 का नजर आ रहा है। और अगर यहां पर बात करें सर्वेक्षण की तो लोगों के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर हमारे सर्वेक्षण की बात करें तो यहां पर रोहित सयाल जो है वह थोड़े से अप नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो थोड़े से अप नजर आ रहे हैं, वो थोड़े से उभरते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के रोहित सयाल वार्ड नंबर 34 से। पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि मुकाबला यहां पर कड़ा है, कल 17 तारीख है, नतीजे क्या आएंगे ये सबके सामने आएंगे। पर हमारे जो ये ओपिनियन पोल जो मैं आप तक लेकर के आ रहा हूं और हमारी टीम के सर्वेक्षण के हिसाब से अगर हम देखें तो रोहित सयाल जो है वो थोड़े से अप नजर आ रहे हैं इस वार्ड में।
बात करेंगे वार्ड नंबर 35 की। तो वार्ड नंबर 35 में अगर हम बात करें तो रजनी महाजन, वाइफ ऑफ राजकुमार एमसी, जो कि राजू महाजन के नाम से जाने जाते हैं, पूर्व पार्षद भी हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वार्ड नंबर 35 में गुरप्रीत कौर, जी हां गुरप्रीत कौर जो है वो चुनावी मैदान में थी। दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। वार्ड नंबर 35 के बारे में मैं बताता जाऊं, 2728 कुल वोटें हैं, जिसमें से 2691 वोट जो है वो पोल हुई है। जी हाँ, यहां पर अगर मैं इसकी एवरेज बताता जाऊं आपको, तो एवरेज के हिसाब से 72.18% वोट जो है यहां पर पोल हुई है। अब लोगों के मत के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको यहां पर पहले बताया भी, यहां पर भी जो है वो मुकाबला जो है वो कड़ा है। यहां पर मुकाबला जो है वो बहुत ही फाइट वाला है। 1921 का आंकड़ा जो है यहां पर देखने को मिल रहा है, 1921 का है। जिसकी भी जीत होती है यहां पर वो बहुत कम मार्जिन के साथ यहां पर जीत होगी। ये हमारे सर्वेक्षण, ये हमारे सर्वे में ये बात सामने आई है कि जीत किसी की भी होती है बहुत ही कम मार्जिन में उसकी जीत होगी। पर सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के रजनी महाजन जो है, वो वाइफ ऑफ राजू राजकुमार महाजन जो है, ये बढ़त बनाती हुई जो है वो दिख रही है। पर फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताता जाऊं कि यहां पर जो मुकाबला है वो कड़ा है, यहां पर मुकाबला बहुत ही सख्त है, फाइट है यहां पर 35 नंबर वार्ड में। तो आने वाला समय जो है, कल की डेट जो है, हम आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से रिजल्ट जो है वो भी अनाउंस करवाएंगे कि क्या क्या नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये जो ओपिनियन पोल, ये जो एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, उसमें वार्ड नंबर 35 में 1921 का आंकड़ा सामने आ रहा है। बात करेंगे वार्ड नंबर 36 की। तो वार्ड नंबर 36 में अगर हम बात करें तो अर्जुन है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं पे वार्ड नंबर 36 में अगर बात करें तो गणेश कुमार है कांग्रेस की तरफ से। वार्ड नंबर 36 में अगर बात करें तो 2918 कुल वोटें हैं, जिनमें से 2016 वोटें पोल हुई हैं। अगर प्रतिशत की बात करें तो 69.08% जो है वोट पोल हुई है। लोगों के माने से चले तो लोगों के कहे अनुसार जो सर्वे हुआ है, हमने जो सर्वे किया है वहां पे जा करके, तो ये बात सामने आती है कि कांग्रेस के गणेश कुमार जो हैं वह बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 37 की। तो वार्ड नंबर 37 में अगर बात करें तो किरण शर्मा, वाइफ ऑफ सुरेश शर्मा एमसी पिंटू, जी हां सुरेश शर्मा जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 37 की तो नीलम सैनी, वाइफ ऑफ टेक चंद सैनी, जी हां ये कांग्रेस की तरफ से थे। वहीं वार्ड नंबर 37 की कुल वोटों की बात करें तो 2935 वोटें, 2935 वोटें जो है वो कुल हैं, जिनमें से अगर बात करें कि कितनी वोट पोल हुई है तो 2204 वोटें जो है वो वहां पर पोल हुई हैं। अब एवरेज देख लेते हैं, परसेंटेज की बात करें तो वार्ड नंबर 37 में 75.09 की बात करें तो ये वहां पर एवरेज रही है वोट पोल की। अब हम बात करते हैं सर्वे की, तो सर्वे के हिसाब से हम अगर हम जाते हैं तो वार्ड नंबर 37 में भारतीय जनता पार्टी के किरण जो है शर्मा, जो सुरेश पिंटू जो है, वह जो है आगे बढ़ती हुई, आगे जाती हुई नजर आ रही है। जी हां, अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 38 में। वार्ड नंबर 38 में सुरेश अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। वह कांग्रेस की बात करें 38 में तो वहां पर विक्रम सिंह जो है वो कांग्रेस की तरफ से हैं। टोटल वोट की बात करें तो 1938 वोट हैं, और अगर वोट पोल कितनी हुई है उनकी बात करें तो 1456 वोट पोल हुई हैं। एवरेज की बात करें तो वार्ड नंबर 38 में 75.12% वोट जो है वो पोल हुई है। अब बात करेंगे वहां के सर्वे की। वहां पे सर्वे हुआ, हमारी टीम गई, हमने जाकर के लोगों से सैंपल लिए, बात की, तो 38 नंबर की अगर बात करें तो वहां पे कांग्रेस के विक्रम सिंह जो है वह आगे अपनी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के विक्रम सिंह। बात करेंगे वार्ड नंबर 39 की। वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 39 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनिया शर्मा, डॉटर ऑफ विजय कुमार एमसी, जी हां विजय कुमार एमसी चुनी प्रधान, जो कि लगातार कई समय से, कई टेन्योर में वहां पर एमसी भी रहे हैं, पूर्व पार्षद भी रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, जी हां अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 39 में संगीता शर्मा, वाइफ ऑफ यशपाल शर्मा जो है चुनावी मैदान में है। ओवरऑल वोट की बात करें तो टोटल वोट वार्ड नंबर 39 में है
3433, और अगर वोट पोल की बात करें तो 2488 वोट जो है वहां पर पोल हुई हैं। अब अगर टोटल एवरेज की बात करें तो टोटल एवरेज जो है 39 वार्ड में, 39 नंबर वार्ड में जो है वो है 72.47% जो है ये एवरेज सामने आई है वोट पोल की। अब बात करेंगे सर्वे की, तो 39 नंबर वार्ड में अगर हम बात करें तो एक सर्वे के हिसाब से और लोगों से जो बात हुई है उसके सैंपल के आधार पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सोनिया शर्मा, डॉटर ऑफ विजय कुमार चुन्नी प्रधान जो हैं, ये आगे बढ़ते हुए अपनी बढ़त बनाते हुए जो हैं ये नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बात करेंगे वार्ड नंबर 40 की, तो वार्ड नंबर 40 में अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 40 में बीजेपी की तरफ से राजकुमार महाजन एमसी जो हैं ये आए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वार्ड नंबर 40 में रमेश कुमार हैं, ये हैं, दोनों ने ही बहुत जोर लगाया है। वहीं अगर वार्ड नंबर 40 की कुल वोटों की संख्या की बात करें तो 2777 कुल वोटे हैं, जिनमें से 2034 वोटे पोल हुई हैं। और वार्ड नंबर 40 की अगर परसेंटेज की बात करें तो 73.24% वोट पोल हुई है वार्ड नंबर 40 में। अब हम ओपिनियन की बात करते हैं, तो अगर ओपिनियन में जाएं तो ओपिनियन के हिसाब से अगर बात करें तो ओपिनियन जो है यहां पर कांग्रेस के रमेश कुमार जो हैं इनके हक में जा रहा है, ये बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के रमेश कुमार। जी हाँ, तो ये था 40 वार्ड का हाल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पर मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा वो अनुमान है, वो ओपिनियन है जो हमने लोगों के बीच में जाकर के, लोगों से सैंपल लेकर के, लोगों से बात कर करके, लोगों की विचारधारा के साथ हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटिंग के जो नतीजे हैं वो कल 17 को निकलेंगे, जिनका पल पल का जो नतीजों का जो नतीजे निकलेंगे, उनके जो हालात रहेंगे वहां के, वो पल पल की खबर हम आप तक लाइव टेलीकास्ट के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।